कालेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा के संगो कवि कर्मणि। बुद्धू तो तू काय करो जो उसकी टोपी पहन लेती है। ले रोंदर पहन ले मार। ए मंजू क्या है? अरे पानी दिया था उसे। हाँ हाँ दे दिया। अच्छा तो ये ले जा अंदर। चल हट 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 जा। हाँ बेटे आ जा मेरे बेटे आ जा। बस बस अरे शंकर। हाँ माँ। रोटी तो खा ले। अरे मेरा हाथ जरा रुका पड़ा है। ठहर जा। काम को तेरी खुश आएगी। ले मैं खिलाती हूँ। काम करने माँ मुझे खाना नहीं खाना। अरे चल बड़ा से आना ले। नहीं खाना है मुझको काम। अरे मेरा अच्छा बेटा ले ले बेटा ले। और ले मंजू जरा लस्सी ले आ। मंजू लाती हूँ। चैन से बैठ के कभी खाएगा नहीं। ले ले बेटा। ये मंजू जाने कहाँ चली गई? ये मुझे दे देना मैं खा लूंगा तुझा। मंजू अरे ओ मंजू ले राजा बेटा टुकड़ी उड़ा चल। अरे आजा 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 आजा। क्या ले यार? अबे अब रोटी खा रही है? सब खत्म कर गया? और नहीं कितना जी लो 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 छोड़ दे यार इतना सा खा के क्या करेगा तू? देर से आया अपन सब खत्म करके तुझे कुछ नहीं बचा। ये क्या रहा? क्यों बे तू तो कहता था मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैंने जो बचा के रखा था वो बचा के रखा था। समझ जान 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 क्यों बाबा? अरे ले थोड़ा तो और खा ले।
नहीं याद नहीं। अबे ले ले, अबे ले थोड़ा सा और खा ले। सुने जा क्या करेगा चीची खा के। बहुत मजाक मारा, बहुत बड़ा मजाक मारा, बहुत बड़ा मजाक मारा। स्टेशन का पकड़ोगा, जल्दी खत्म जाओ ना। चल भाग, चल चल राजा, राजा बेटे चल चल, स्टेशन का वक्त हो गया राजा, स्टेशन का वक्त। अच्छा शंकर मैसर, हे कृष्णा। अरे शाम को रस्ते पे है ना, लौटने पे ले लूंगा मैं। बहुत अच्छा। आ गया मुंशी जी। ए मुंशी, मेरी हाजिरी भी लगा देना, मैं जंगल में काम पे जा रहा हूँ। सब लिख लिया। पहले तू अपना चश्मा तो साफ कर ले। तू पहले अपनी आंखें तो साफ कर। चश्मा साफ कर लो। दमोदर सिंह, राम राम। सेठ जी, राम राम। मुनीम जी। जी सरकार। भाई मनसाराम को क्यों काम से अलग कर दिया? सरकार उससे काम तो होता था कम, और खांसी होती थी ज्यादा। एक घंटे का काम एक दिन में करता था सरकार। अगर आज से मैं तुम्हें काम से अलग कर दूं तो? ऐसा ना करियो सेठ जी, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसके भी तो बीवी बच्चे हैं, तुम उन्हें क्यों भूखा मारना चाहते हो? बूढ़ा हो गया है तो उसे किसी हल्के काम पर लगा दो। बहुत अच्छा। कितनी बार समझाया लेकिन तुम हमेशा भूल। याद है सेठ जी, याद है। उनकी मेहनत आपका पैसा, आपका पैसा उनकी मेहनत, दोनों बराबर है। हाँ, किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं, दोनों बराबर के हिस्सेदार है। अरे हाँ मुनीम जी। जी सर। नए तख्ते बन गए? बन गए सेठ जी, नीचे कारखाने में है। ओ अच्छा, तुम काम करो, मैं कारखाने से होकर आता हूँ। बहुत अच्छा। सलाम भाई। जुम्मा दादा, तुमसे कितनी बार कहा मुझे मालिक मत कहा करो, हमारा तुम्हारा तो एक ही मालिक है। ये तो सच है मालिक। फिर वही मालिक, जवान की बात हो तो कोई रोक भी ले मालिक, ये तो दिल की बात है, हम तो यूं ही कहेंगे। बाप का समझ के काटा था। अगर बाप का नाम लेगा ना तो चीर दूंगा, समझा? अरे कितना लगा तोड़ते, हाथ अब भी सीधा हो जाएगा। सीधा तो मैं किसी रोज तुझे कर दूंगा। दिल लेके दगा देंगे
दिल लेके दगा देंगे, याद है मतलब के ये देंगे तो क्या देंगे, याद है मतलब के ये देंगे तो क्या देंगे हो। दुनिया को दिखा देंगे ओ, दुनिया को दिखा देंगे यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे, यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे ओ। शहबीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्ले हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं झूमे बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। जंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। के लिए दिल धा रहे हम, दुश्मन के लिए तलवा रहे हम, मैदान में अगर हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। जी मेरे जाने से पहले सब हिसाब किताब ठीक कर लीजिए। हिसाब किताब सब ठीक है सेठ जी, छोटे बाबू कब आ रहे हैं? उसकी चिट्ठी आई है, लिखा है शहर में से कुछ काम पड़ गया है, कुछ दिनों के बाद आएगा। नमस्कार नमस्कार, सुबह ही सुबह अन्नदाता के दर्शन हो गए, मानो जन्म भर के कष्ट दूर हो गए। अरे महाराज जी, नहीं महाराज, यहाँ बैठे धर्म खाता देखा जाए। हाँ महाराज, कुछ ऐसे ही। और सुनाइए, तबीयत तो प्रसन्न है ना? आपकी कृपा है महाराज, आप कैसे हैं? क्या सुनाऊं सेठ जी, राहु और केतु के बीच में कुछ ऐसा फंसा हूँ कि धोबी का कुत्ता बन के रह गया। क्या कुछ तकलीफ में है आजकल सेठ जी? ब्राह्मण तो हमेशा ही तकलीफ में रहता है,
कभी अपने लिए कभी दूसरों के लिए। और सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है कि ब्राह्मण अपने मुंह से कुछ मांग नहीं। मैं समझ गया महाराज, समझ गया। आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। आपकी बड़ी आई हो, बड़े कृपा निधान है आप। महाराज आज तो ये हाथ भी देखो और कुछ हाल बताओ। मुनीम जी कितने वाला हाथ देखो? अभी तो धर्म खाते वाला ही देखो। धर्म तो है सेठ जी के पास, मेरे पास तो सिर्फ खाता है। जेब से माल निकालो, फिर हाथ देख के हाल क्या, पांव देख के चाल भी बताऊंगा। निकालो कुछ। महाराज जी आए, ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे जरूरत तो बहुत थी। धन्यवाद। कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं। शेर जी, सुना है आप काशी जाने का विचार कर रहे हैं। विचार क्या महाराज, अब तो फैसला ही कर लिया। कुछ दिन बाबा विश्वनाथ के चरणों में बिताना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जो भी ऐसा आ गया, मंगल की दशा बदल रही है ना। कल सूर्य तुला में से निकला, बुध ने घर में प्रवेश किया और आपने घर छोड़ा। हाँ, अब तो कल ही जाना पड़ेगा, काशी स्नान का समय जो आ गया। भगवान आपका कल्याण करे। शेर जी की जय। अरे भाई, मैं सदा के लिए बस्ती छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ। मालिक आप बस्ती छोड़ के जाना भी चाहे तो बस्ती आपको नहीं छोड़ेगी। अरे हाँ जुमा दादा। जी मालिक। कुंदन पहली बार बस्ती में आ रहा है, शहर का लड़का है, मेरा मतलब है उसका ख्याल रखना। आप फिक्र न कीजिए मालिक, हम लोगों के होते उन्हें कोई तकलीफ न होगी, काम वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। अच्छा है। मुझे डर था शायद आप चले न गए। तुम लोगों का ये प्यार देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। अरे मंजू, तू भी आ गई। मेरे लौटने तक तो तेरा ब्याह भी हो चुकेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर देख, मेरे लिए ब्याह के लड्डू जरूर रखना है। सेठ जी, गाड़ी का बगत हो गया, चलिए ना। अच्छा शंकर, मैं आता हूँ। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ। वांदरा भाइयों, वांदरा, ये गाड़ी आ गई। भाइयों वांदरा, चलो 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 जल्दी चलो 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 जल्दी से ले चलो मंदिर से। तुम दोनों को जल्दी, माफ करो सेठ, तुम तो 2 रुपए देकर सस्ते छूट जाओगे, लेकिन हमारा घोड़ा रास्ते में रह जाएगा। सवारी देखभाल के 2 रुपए सवारी, 2 रुपए सवारी, सवारी देखभाल के। अरे भाई तू ही ले चलना, जरा दर्शन करने को जाना। अरे भैया जरा तो हटा, दूर से बात कर, मेरा घोड़ा डर जाएगा। इधर को आ जाना, इधर को आ जाना। चलो भाई पैदल चलते हैं, यहाँ पे तो मौसम भी ठीक है। एक रुपए सवारी यात्रा। हाँ 1 रुपए सवारी। आओ 1 रुपए सवारी यात्रा। अपना टांगा लग गया भाऊ जी। अरे हमें यात्रा नहीं, बस्ती जाना है। हाँ हाँ, तो बस्ती चलो। क्या लोगे? जो मन में आए सो दे देना। बेटी हाँ माँ, टांगा कर लिया है। अरे शंकर, अरे तुम इतने दिनों के बाद। हाँ बेटा, बस्ती फिर से देखने भी चली आई। तुम लोग बच्चे हो ना? क्या बच्चे, क्या बच्चे, चलो बैठो। हाँ बैठो, क्या बच्चे, क्या बच्चे, चलो भाई बैठो। मास्टर ठीक है, चलो। बचके राजा की सवारी आ रही है। हमारा घर वर तो सब ठीक है ना बेटा? हाँ सब ठीक है मौसी, बस जरा इधर उधर से खराब हो गया है। तो तुम फिक्र मत करो, मैं किसना से कह के सब ठीक करा दूंगा। पहले तुम घर चल के माँ से मिल तो लो ना। अरे माँ, अरे देख बाहर कौन आए हैं।
आजा, उतरो वहां से आजा। उठो उठो, ये दे दो दे दो, नहीं दे दो मुझे दे दो, चल चल। ए माँ। अरे कौन? अपनी दुर्गा बहन। कैसी हो बहन? तुम कैसी हो बहन? समय हुआ तुम्हें मिले हुए। ये रजनी है ना? हाँ। जी बेटी, चलो। ये हमारी मंजू है। जीते रहो बेटी। अरे आओ मेरे पास। हाँ। ये तो शहर में पैदा हुआ होगा। हाँ बहन। माँ। क्या? मैंने दुर्गा मौसी से कह दिया, जब तक के इनका घर बन बना के ठीक ठाक नहीं हो जाएगा ना, ये हमारे यहाँ रहेंगे। क्यों ठीक है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, इनका अपना ही तो घर है। चलो चलो सहरी बाबू आ जाओ। चलो सहरी बाबू नहीं, चिकू मास्टर। चिकू मास्टर, इसका नाम चिकू मास्टर है। चलो बहन। बस्ती क्या छुट्टी बहन, मानो सारे रिश्ते नाते ही टूट गए। हाँ बखत बखत सी बात है बहन। तुम्हारा नाम रजनी है ना? बहुत अच्छा नाम। मेरा नाम भी बहुत अच्छा है। मेरा नाम शंकर है। वो मेरी माँ यात्रा पे जब गई थी ना तो, अरे तुम बैठ जाओ ना, खड़ी क्यों? ये लो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। वो टांग वो टांगे में बाहर कोई सामान तो नहीं रह गया? नहीं तो सभी कुछ तो यही है। फिर देख तो लो, शायद कुछ रह गया। देख तो लो, चल के देखने में क्या, देखने में क्या हर्ज है। दुर्गा मौसी को तो मैं देखते ही फौरन पहचान गया, पर तुम्हारा मुझे कोई ध्यान ही नहीं आया। इतनी बड़ी हो गई हो ना तुम। फिर भी मैं मन ही मन में सोचता रहा, मुझे कहा कौन? कुछ भी तो नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं, मैं जाऊं। सुनो, कोई फिक्र ही नहीं करना तुम। अच्छा, इसे तुम अपना ही घर समझो, और फिर शाम को तो मैं आ ही जाऊंगा। अच्छा चलता हूँ। चल ना बच्चे। अरे हो मुंशी, छोटे सरकार आ गए। सब लिख लिया सका। छोटे बाबू, छोटे बाबू। नमस्कारम नमस्कारम छोटे बाबू। बड़ी शुभ घड़ी में आपका आना हुआ है। और मैं तो जानता ही था आपका आना अवश्य। नमस्ते छोटे बाबू, आपके आने का न कोई तार न चिट्ठी न कोई खबर। बड़े सरकार ने बहुत राह देखी, आप कल ही गए हैं। ठीक है, ये टांगे वाले को पैसे दीजिए। जुम्मन काका, बंधु काका, ए भीकू बिहारी रामू, अरे देखो छोटे बाबू आए। छोटे बाबू, सलाम छोटे बाबू। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग सब अपना अपना काम कीजिए। उठा ले इसे। गोपाल, जैसे दरकट काटा था वैसे ही काट के रख दूंगा। अकेला जान की बदला लेने आए? अरे मर्द हो तो एक एक करके आ जाओ ना सामने, सबको निपट लूंगा। अबे माने तक मुफी पे आया है, माँ का नाम लेता।
गए गिदड़ के फिर। अरे मैं तो एक एक की लात गिरा था। अरे अपनी जूती फट गई यार इसी बात में। अरे हमने भी तो उनके सर फाड़ दिए। पर तू खूब वक्त पे आया, मेरा तो हाथ ही रह गया। क्यों क्या हुआ क्या? कोई खास बात नहीं, किसी की लकियां बच गई। पर तू तो ठीक है ना? कौन मैं? अरे फर्स्ट क्लास दोस्त, बैठ चला। अरे शंकर कितना ये क्या हुआ तुम लोगों को? देख माँ, हुआ कुछ भी नहीं, तू हल्ला मत कर। कुछ नहीं हुआ? हाँ कुछ नहीं हुआ। पापा खून से लाल हो रहा है, पापा कुछ नहीं हुआ। ओहो देखा ना यार, मासी तुम खामखा परेशान हो रही, कुछ नहीं हुआ मासी। मंजू मंजू, अरे ओ मंजू, क्या हुआ माँ? मंजू जरा जल्दी से दवाई वाई तो ले, मैं दूध लेके आती हूँ। अरे इतना खून क्या हुआ, कितना? अरे अब जो कुछ होना था हो गया। अरे देखता सही, देखता सही। अरे क्या करेगी, देख के तेरे को बोला ना सब ठीक है। अरे ये क्या कर लिया है तुमने? कुछ नहीं, बस वो आ रहे थे रस्ते में, खामखा को झगड़ा हो गया। झगड़ा? अरे देखते नहीं कितना खून बह रहा है। ठहरो। ये क्या ले आई? तुम बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। क्या कहा? मैं कहती हूँ बैठ जाओ। हाँ तो लोग बैठ के कर लो जो जी में आए। घाव बहुत ज्यादा आ गया है। अरे नहीं रे। अरे लगा है किसना, बहुत गहरा लग गया है, तुझे दिखता नहीं ना, माथे पे जो है। अरे सब आंखों से लगा पानी, आंख में गया। हेलो क्या? हेलो। अच्छा किसी से पुराना झगड़ा था क्या? सो तो पता नहीं, लेकिन घाव नया जरूर है, पहली बार लगा है अपने को। बात जरा कम करो, मुझे पट्टी बांधने। मैं बहुत बकबक करता हूँ। हाँ मेरी माँ भी यही कहती है। इतना बस सही है, और कस दू? गांठ ना खुले, बस इतना देख लो तुम। चलो फिर। अरे बस 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 बस। क्यों, चोट होता है क्या? अरे चोट है, ऐसी लगी है बाबा। बा, बा, बा। ए? बा, ये शहर की चूड़ी बड़ी बढ़िया होती है, काली वाली पे तो जान देता हूँ। पहना के क्या? कौन मैं? मेरे हाथ तुम्हारे इतने गोरे थोड़े हैं। हाँ तो कोई देख ले। हाँ तो? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, खाली चूड़ी ही की तो बात कर रहा हूँ। नहीं शंकर। क्या? अरे ओ शंकर। अबे क्या हुआ मालूम है, छीन ली मैंने लठिया उसकी। किसकी? अरे उसी की। और गिरा धर के, गिरा फिर उठा, गिरा। अरे कौन गिरा? अरे वही। बड़ा पहलवान है तू, ले दूध पी ले। जा बेटी, ये किसना को दिया? कृष्ण। हाँ वो ये अपना जोड़ीदार बाहर बैठा दिया उसको। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी दूध लेके आती हूँ। तुम कृष्णा हो? मौसी ने दूध पीजा। तुम? ये दुर्गा मौसी की लड़की है, आज ही शहर से आई है, रजनी नाम है। दूध लो। चुप क्यों हो रहे, कसक हो रही है क्या? जाने क्यों, चक्कर सा आ गया।
मन के लिए सब लिख लिया सरकार। अरे क्या लिख लिया? यही कि आप यहाँ मायना करने आए और सारा जंगल देखा। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारा जंगल, मेरा मतलब है जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं सब हमारे हैं क्या? छोटे बाबू, ये तो सवा सोलानने आपके हैं ही। वो पहाड़ी के नीचे उत्तर की तरफ जो मिलो लंबा जंगल खड़ा है वो किसका? वो भी तो आप ही का है। अच्छा चलो। आपके ग्रह तो कहते हैं आज आपको सारे दिन हंसते रहना चाहिए, फिर किस सोच में पड़ गए सरकार? हमारे जंगल में शीशम के दर्द बहुत है। अरे क्या शीशम के, गन्ने बनने के होते हैं पर गुड़ बनता है। इन जंगलों से सोना कमाया जा सकता है। सोना? हाँ आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, वैसे आप कहें तो जंगल की कुंडली बना के देख लूं। मैं कुंडली ही देख कर आ रहा हूँ महाराज, अगर काम तरीके से हो तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जितनी जल्दी काम मशीन से हो सकता है आदमी से नहीं हो सकता। चीकू, ए चीकू, जरा खील तो था। खिड़की दरवाजे तो ठीक बन गए हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। अरे एक पालिश मार दूंगा तो शीशा हो जाएंगे, चाहो तो मुंह देख लेना। मेरा हाथ माफ करना, हाथ जरा उल्टा सीधा पड़ने लग गया है। पता नहीं चीकू कहाँ चला गया। जरा गुली डंडा तो बना दो। अच्छा अच्छा अभी बनाया था। मत बनाना, तुम्हारा क्या जाता? अरे किसी की आंख वाँख फूटेगा तो तुम्हारी आंख फूटेगी तो बहुत अच्छी होगा। अरे अरे जाने दो, बच्चा है। नहीं नहीं बहुत शरारती हो। क्या हाल है यार? क्यों ठीक है ना? अरे बहुत बढ़िया, तू तो बहुत बढ़िया कारीगर है यार। खिड़की दरवाजे तुमने सब फसला करा दी। बेचारा सुबह से लगा हुआ है। अरे तो अच्छा ही तो है मौसी, घर ही जल्दी तैयार हो जाएगा क्यों यार? हाँ। अरे हाँ मौसी, वो माँ ने कहा था कि मैं तुम्हें बड़ा मंदिर दिखा लाऊं, तो मैं ये टांगा घोड़ा ले आया हूँ। चलो आज ही लेता, घर का सारा सामान उल्टा सीधा पड़ा। तो मौसी मैं वो फिर किसी दिन चलूंगी। हमें भेज दो ना माँ। क्यों दीदी, है ना अपन दोनों चलेंगे। हाँ तुम चाहो तो चले जाओ शंकर। हाँ? आज तुम इन दोनों को ले जाओ, मैं तो किसी दिन तुम्हारी माँ के साथ देखाऊंगा। जो तुम कहो जो तुम कहो। अच्छा चले। अच्छा चलो चीकू मास्टर चलो। बच्चा अरे कृष्णा यार मंदिर जा रहा, बोल तेरे लिए क्या मांगो? अरे यार जो कुछ तू अपने लिए मांगेगा वो ही मेरे लिए भी मांग लेना। चल बैठे। शाबाश शाबाश शाबाश। बड़ी दोस्ती है तुम दोनों में, बड़ा प्यार है तुम्हें। प्यार तो है। क्या हुआ चंद्र भैया? कुछ नहीं भाई, टांगा उलाल हो रहा। तुम जरा आगे आ जाओ ना। मैं आगे आ जाऊं? अरे तुमसे बात नहीं बनेगी, तुम आ जाओ। जरूरी है क्या? हाँ जरूरी तो है। संभाल के संभाल के संभाल के। चल
भैया तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा अच्छा। अरे सारी बस्ती यही कहती है चीकू, अपना घोड़ा अच्छा है, तांगा अच्छा है, और मैं चीकू है? तुम क्यों दीदी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या जानू। हाँ, दिल की बात जरा जबान पे मुश्किल से ही आती है, क्यों चीकू? क्यों दीदी, मुझे क्या पता? दिल को पता है किसकी खता है, किसने मिलाए नैन के हो गया पहली नजर में प्यार। अरे जरा संभल के बात। अरे चिकू, तेरी दीदी को तो गुस्सा करना भी आता भाई। हाँ, पहले प्यार भी करती थी और गुस्सा भी करती थी, अभी तो गुस्सा ही गुस्सा करती जाती है। नहीं नहीं, तेरी दीदी प्यार भी करती है, अपने को मालूम है। वो तुम्हें प्यार करती होगी, हमें तो गुस्सा ही करती है। क्या कहा, फिर बोल, फिर बोल। वो तुम्हें प्यार करती होगी। अरे किसको पता है डा 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 डा। तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। यार मिला एक नया संसार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला एक नया संसार मिला। Uh-huh.
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। और रुत हसीन चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हसीन चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। ओ जान भी तू है दिल भी तू ही, राह भी तू मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। ओहो, सरकार की कुंडली शहर से अंग्रेजी में बनकर आई है। ये कुंडली नहीं है महाराज, मशीन है, मशीन। अच्छा, मशीन की कुंडली है, तब तो विलायत से बनकर आई होगी। रेखाएं जरा तेरी मेरी है, पर है अच्छी। क्यों महाराज, आपका क्या ख्याल, अगर कारखाने में मशीन आ जाए तो कैसी रहे? तब तो सारी बस्ती का कल्याण हो जाएगा, सबका भला होगा। पर साथ साथ कुछ अपना भी। ये लो, तुम्हारा भी भला हो। सरकार का जम तो जब से सूरज में हुआ है, एक दिन आप जरूर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हाँ सरकार, अपनी मशीन आ कब रही है? बस शहर से चल पड़ी है महाराज। छोटे बाबू, मशीन चालू कराइए। हाँ भाई, स्टार्ट करो। चिकने चेहरे वो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी। प्यार करने की आई, प्यार
पेड़ पक गए चिंदू मेरी कपिटाल इधर भी फेरा ओ कपिटाल इधर भी फेरा के तक तक नैन थक गए के तक तक नैन थक गए जिंदू मेरी बहाने आ जा को पानी लेने के बहाने आ जा के तेरा मेरा एक रस्ता के तेरा मेरा एक रस्ता जिंदू मेरी ये चांद के बहाने देखूं ओ तुझे चांद के बहाने देखूं ओ तुझे चांद के बहाने देखूं ओ तुझे चांद के बहाने देखूं तू छत पर आजा गोरिये तू छत पर आजा गोरिये जिंदू मेरिये अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के के चांद मेरे छिप जाने दे के चांद मेरे छिप जाने दे जिंदू मेरिये नागन जैसी ओ तेरी चाल है नागन जैसी ओ तेरी चाल है नागन जैसी ओ तेरी चाल है नागन जैसी रिजोगी तुझे ले जाएंगे रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये जाए कहीं भी मगर हम सजना ओ जाए कहीं भी मगर हम सजना ये दिल तुझे दे जाएंगे अरे भाई नक्सू आज हम मशीन वाले तो हो गए अरे काम करते करते हाथ में गट्टे पड़ गए अरे आप देखना काम कितनी फुर्ती से होगा बंसा राम मैं तो यूँ बोलूँ तू वो तख्ते काटने वाली मशीन ले ले चुम्मा दादा पहले छोटे बाबू का हुक्म तो आने दो अरे वो मुनीम जी काम बताने तो आ रहे जो लोग जंगल में लकड़ी काटने का काम करते हैं वो सब जंगल को चले जाएं ए कृष्णा मुंह क्या देखे जाता तुम क्या तो रहा हूँ मुंशी जी जरा अपना चश्मा साफ कर लो पहले तू अपनी आंखा तो साफ कर ले जा अपना काम कर आओ भाई आओ जुम्मा दादा मनसाराम रामू श्यामू चौहान भोलू भोचू दुबे सब कारखाने वाले एक तरफ खड़े हो जाओ ए रामू सुना नहीं देखता क्या है आता क्यों नहीं आया मुनीम जी आया हुजूर आया सरकार ऐसा लगता है कुछ तनख्वाह भी बढ़ने वाली हाँ रामू मालिक ने चाहा तो सुनो भाइयों बात यह है कि कारखाने में आ गई मशीन इस वास्ते इतने आदमियों की कोई जरूरत नहीं रही मशीन चलाने वाले शहर से बुलाए गए हैं क्योंकि वो ही काम कर सकते हैं इसलिए आज से आप सब लोगों को काम पर से अलग किया जाता है क्या सबको छुट्टी सबका काम खत्म दादा ये क्या हुआ जुम्मा दादा
ये आप क्या बोल रहे हैं मुंशी जी? जो छोटे बाबू का हुक्म है वो ही बोल रहा मैंने। आखिर ये क्या गजब हुआ? मेरे पास पहले की तो मिट्टी निकल गई जुम्मा दादा। मनसाराम, जितनी जोर की हंसी उतनी जोर का तमाचा। मनीम जी। हाँ हाँ, मैं सबको पैसे देता हूँ, आधे आधे महीने की तनख्वाह सब लोगों को मिल जाएगी। मनीम जी जरा मेरी बात तो सुनिए, छोटे बाबू आ रहे हैं। अरे मुनीम जी, सरकार तुमने इनके पैसे नहीं दिए क्या? अभी दे रहा हूँ सरकार, अभी देता हूँ। जुमा दादा, तुम समझदार आदमी हो, मशीनों के होते हुए तुम लोगों को मुफ्त की तनख्वाहें देनी पड़ जाएंगी, भला तुम मेरा नुकसान चाहोगे क्या? नहीं नहीं छोटे बाबू, जिस कारखाने को हमने अपने खून से बड़ा किया है उसका नुकसान हम कभी नहीं चाहेंगे। बस तो फिर ठीक है, काम तुम लोगों को बहुत मिल जाएंगे। क्या बात हुई जुम्मा दादा? बात ये हुई मनसाराम कि मशीन ने हम सबके हाथ काट डाले। ले खाता ना। क्यों राजे, क्या हाल है? मजे में तो हो ना? अरे राजी, एक बात बताऊं, कल मैंने एक सपना देखा, जानते हो क्या? मैंने देखा हमारे आंगन में शहनाई बज रही है और तुम अपने मालिक के साथ मुझे लेने आए हो, समझे? हाँ मगर देखो, ये सब अपने मालिक को मत बता देना। हाँ हाँ राजे, अपने मालिक को कुछ मत बताना, उसने तो खुदा ही सब कुछ सुन लिया है। मेरी चूड़ी। ये चूड़ी तो अब सुहाग की चूड़ी बनने वाली है। तूने सपना जो देखा है? सपने कभी कभी उल्टे भी हो जाते हैं। तो और भी बढ़िया बात है, मैं तुझे लेने नहीं आऊंगा, तू मुझे लेने आ जाएगी क्यों? अरे जा। रज्जू देख, ए रज्जू, अरे देख तो सही। आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। खुश तो हूँ मैं, खुश तो हूँ मैं आज। अब तेरा ब्याह करना ही पड़ेगा। क्यों 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 क्यों, मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया जो तू मेरा ब्याह ही कर देगी? तू कसूर नहीं करेगा तो क्या तेरा ब्याह नहीं करूँगी मैं? अच्छा बता, ये रजनी कैसी लड़की है? कौन सी रजनी? ये अपनी रजनी, ये अपनी वो दुर्गा मौसी वाली रजनी? हाँ, दुर्गा मौसी वाली रजनी। कैसी लड़की है? वो लड़की तो है ये। हाँ लड़की तो है, पर तुझे पसंद है? अब मेरा क्या है माँ, तुझे तुझे पसंद है? हाँ मुझे बहुत पसंद है। क्या करेगा उससे? कौन, मैं? हाँ रजनी से। हाँ अरे बोल। है क्या कर रहा है? बोल, करेगा? ठीक है, तू कहती है तो कर लूंगा मैं। अच्छा, मैं कहती हूँ इसलिए करेगा? हाँ तू कहती है इसीलिए करूंगा। बड़ा भोला मेरा लड़का। अरे माँ क्या, पर वो अपनी मंजू है ना, ब्याह तो पहले मंजू का होना चाहिए, मेरा कैसे होगा? हाँ हाँ मैं भी यही कहने वाली थी। हाँ। सगाई तो जरूर पक्की है उसकी, पर दूसरे गाँव का मामला है। मैं कहती हूँ किसी दिन तू जाकर तारीख पक्की करा। अरे किसी दिन क्यों, मैं आज ही खबर भिजवा दूंगा उधर, आ जाए। हाँ हाँ, अब तो तू जल्दी करेगा ही। क्यों 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 क्यों, चल जा। Thank you.
राम दादा। आओ बेटा, मजे में तो हो? अरे मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूँ दादा। अरे यहाँ तो खैरियत ही खैरियत है, बुढ़ापे के पसीने से पेट की आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। जान पता है कि कारखाने वाले बहुत परेशान हो गए। कुछ ना पूछो शंकर, बड़ी मुसीबत का वक्त आ गया है। ये कारखाने में मशीन क्या आई है, लोगों के घर बर्बाद हो गए। बेटा भूख तो फिर भी वक्त पे लगती है ना, ये बीवी बच्चों का क्या करें, गले घोट दे उनके। लोग बस्ती छोड़कर बाहर जाने की सोच रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात होगी चाचा। मगर वो लोग क्या करें बेटा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता चाचा। तो तुम टांगा चलाते हो यहाँ? बाप भी यही काम करता था। अपनी बस्ती में दो ही बिरादरी है बाबू, एक टांगे वाले और दूसरे कारखाने वाले। पर आपके आने से कारखाने वाले बेकार हो गए बाबू। लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब है? मतलब? अरे मतलब समझो तो बड़ा है। बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक, और जब घर में आग लगती है तो बुझाने का रास्ता तो सभी ढूंढते हैं ना। ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? और दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती। हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें। हाँ? तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता। मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहां का इंसाफ है? बाबू हम तो सुनते आए हैं कि बड़े लोग बस्ती बसाते हैं, आप इसे उजाड़ना चाहते हो क्या? देखो भाई, मैं लोगों से ज्यादा बहस नहीं किया करता। पहले से कारखाने में काम ज्यादा होता है, आमदनी ज्यादा होती है, मैंने मशीन इसीलिए लगवाई है। वो ठीक है, पर आप लोगों की जेब भी भरती रहे और गरीब लोगों का पेट भी भरता रहे, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते आप? सिगार पीते हो क्या? हम गरीब लोग इस लायक कहां हैं बाबू, आप अमीर लोग तो सब कुछ पी लेते, दाव चलता है तो खून भी पी लेते। शंकर तुम झगड़ा करने आए हो? अमीर और गरीब आदमी का काहे का झगड़ा बाबू, झगड़ा तो हाथ और मशीन का है बस। बुढ़ापे में बस्ती छोड़े जा रहे हैं। हाँ जुम्मा दादा, भगवान की यही इच्छा है कि हम यहाँ से चले जाए। अच्छा है, खुदा है। Thank you.
होगा कि तुमने गलत सुना होगा। आए लो, मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की, मैंने जैसा सुना वैसा कह दिया आकर के। मगर काकी हमारी भी तो कोई इज्जत है, कुछ भी हो हम लड़की वाले हैं, जरा सी देर में बात फैल जाएगी, किस किस को जवाब देती फिरूंगी मैं। बात क्या है माँ, क्या हुआ? अरे बेटा होना क्या था, तूने इतने दिन लड़के वालों की खबर नहीं ली, अब वो दूसरे घर बात चला रहे हैं। क्या क्या दूसरे घर बात चला रहे? हाँ पूछ लो काकी से। अरे पर खुदाई तो मंजू की सगाई मांगने आए थे, खुदाई सब बात ठीक करके गए, उसका क्या होगा? यही तो मैं भी कह रही हूँ, अब मेरी बेटी का क्या होगा, अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? अरे ऐसी की तैसी उन लोगों की, कोई मजाक है क्या, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा माँ। चल उठ चाची तू मेरे साथ चल, चल तू फिक्र मत कर माँ, चला चाची। अरे लाला मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम्हारे मन में खोट आ गई है, तो यूं ही समझ लो भाई, सीधी सी बात है, लड़की वाले 2000 की रकम दे रहे हैं, तुम दे दो रिश्ता तुम्हारे घर रह जाएगा, ये तो व्यापार की बात है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा लाला समझे, रुपए की खातिर अपनी इज्जत का सौदा नहीं होने दूंगा। अरे तो क्या अपनी बहन को मेरे दरवाजे पे लाके रख देगा? अबे चुप, ऐसी बात की तो जबान काट के रख दूंगा समझा, जिस तरह सबके सामने रिश्ता किया था ना लाला, उसी तरह सबके सामने चल के तोड़ना भी होगा समझा। चलो हाँ चल चल चल। अरे अभी चलता हूँ, वो क्या कर लेंगे मेरा बड़ा आया बातें बनाने वाला, चल भी तो देखता हूँ। अरे क्या सामने ले जाते हैं, चलो पंचों से कौन डरता है, पंच तो माई बाप है, उसमें कौन बड़ी बात है। अरे अब सबके सामने बोल, सबके सामने बोल के मेरी बहन में कोई दोष नहीं है, और तू रुपए की खातिर रिश्ता तोड़ रहा है। अरे रुपए के लिए तोड़ रहा हूँ तो क्या हुआ, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? नहीं कल्पत, अपने गांव में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मेरा लड़का है, जहाँ चाहूँ उसे ब्याह दूँ। रिश्ता करके तोड़ना पाप है, और इसमें गांव की बदनामी होती है गणपत। तो क्या सारे गांव का ठेकाने रखा है मैंने? देखो गणपत, ये रिश्ता संग करके घर में रहेगा, नहीं तो तुमको बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। अच्छा भाइयों, अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो मैं रिश्ता वापस ले लेता हूँ। अरे तुझ जैसे कमीने के घर अपनी लड़की भेजेगा कौन? अच्छा हुआ जो बारात आने से पहले ही तूने अपनी जात का पता बता दिया। जा मैं तेरे घर से अपनी बहन का रिश्ता खुद ही तोड़ता हूँ, पर याद रख तूने धन की खातिर धर्म को ठुकराया है, जिंदगी भर ठोकरें खाता रहेगा। शंकर क्या बात हुई शंकर? कुछ नहीं माँ, वो लोग तो बड़े ही कमीने निकले, मैं खुद ही सगाई तोड़ा है वहाँ। तू सगाई तोड़ा है? ये क्या किया तूने, लड़की की बदनामी होगी। कोई बदनामी बदनामी नहीं होगी, तू खमखा की बातें मत किया कर। अब क्या होगा शंकर? होगा क्या, मंजू की शादी ही तो करनी है ना। तो क्या शादी के बगैर रखेंगे लड़की को? मैं करा दूंगा शादी, तू काहे को फिक्र करती है। किससे कराएगा शादी? देख वो अपना दोस्त है ना, दोस्त कृष्णा मेरा दोस्त है ना, उससे शादी करा दूंगा मैं। कृष्णा से? हाँ। ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं आई। कृष्णा तो अपना ही है। अपना तो है। तो शंकर उसे बात कौन करेगा? मैं करूंगा, कहता ना तू काहे को फिक्र करती है, मैं बात करूंगा। कृष्णा, ओ शंकर, आजा आजा आजा, अरे बड़े वक्त पे आया तू, आजा बैठ बैठ, ले कुछ खा ले। नहीं यार मैं तो पानी पीऊंगा। अरे पहले कुछ खा तो ले, देख कितनी अच्छी भाजी बनी। अच्छा तो ला ले। सुबह तेरा बहुत रास्ता देखा, तू आया नहीं? अरे यार मैं वो दूसरे गांव चला जा रहा हूँ, मंजू की सगाई तोड़ आया हूँ। कृष्णा मंजू की सगाई तोड़ा? चल बहुत ही अच्छा किया तुमने। अच्छा क्या और क्या, अरे परदेश की बात थी ना, देश में होगी तो कुछ अच्छा ही होगा। अरे कृष्णा यार एक बात मान तू मेरी, तू अब शादी कर ले। शादी? शंकर तूने तो मेरी जबान की बात ले ली, मैं तो खुद तुझसे कहने ही वाला था, पर एक बात है, दोनों के साथ हो तो मजा है। दोनों की? हाँ। अरे चल तो मैं भी कर लेता हूँ, पर तू गए तो तेरी बात आज ही पक्की कर लेता हूँ। पर तू पूछ तो ले। पूछना किससे?
करना कराना तो सब मैंने, ये पूछे किसने? वो तो ठीक है, पर मौसी से भी तो बात हो जानी चाहिए। अरे मौसी से मेरी माँ बात कर चुकी है ना यार, तू अपनी बात कर। हाँ? मुझे खुद बोलते हुए जरा शर्म लगती है यार। शर्म लगती है? अबे जा। वैसे तो मैं मुंह का बड़ा खुला हूँ, पर जाने क्यों जब रजनी की बात आती है। रजनी? हाँ हाँ रजनी। भला कैसे रहेगी शंकर मेरे लिए? तू चुप क्यों हो गया? नहीं वो बोल। शंकर अबे कहाँ चला? तूने अपनी शादी की बात तो की नहीं, फिर साथ कैसे होगी शंकर? हाँ यार साथ कैसे होगी, पर बता तो सही हुआ क्या है? तू सुन नहीं सकेगा कृष्णा। ये भला क्यों? देख शंकर तुझे मेरी कसम। कसम वसम मत दे मुझको यार तू। मैं कहता हूँ शंकर तुझे दोस्ती की कसम बताना होगा। अच्छा तो सुन फिर, शादी मैं भी रजनी के साथ ही करना चाहता था। रजनी के साथ? हाँ रजनी के साथ। शंकर मजाक मत कर शंकर। मजाक मजाक अपन दोनों के साथ किस्मत ने किया है दोस्त। तू क्या सच कह रहा है शंकर? हाँ बात तो सच्ची है, पर ऐसा हो कैसे सकता है? हाँ कैसे हो सकता है, हम दोनों एक जरूर हैं, लेकिन रजनी को तो एक ही का होना पड़ेगा। बात बड़ी मुश्किल हो गई है कृष्णा। मुश्किल मैं आसान किया था शंकर, तू कर ले अपना प्यार रजनी के साथ। कृष्णा देख तेरी बात में फर्क आ गया है, दोस्ती में फर्क नहीं आना चाहिए दोस्त। दोस्ती के बीच में प्यार कहां से आ गया? कुछ सोचा तूने? मैं क्या सोचू यार, तू ही कोई रास्ता निकाल। रास्ता तो मुझे एक ही दिखाई पड़ता है कृष्णा, मैं अलग हट जाता हूं तू ही कर ले शादी। नहीं शंकर मैं तेरे प्यार के बीच में नहीं आने। अरे यार तो फिर फैसला कैसे होगा? बात समझ में आई यार। बोल बोल। चल अपन दोनों अपनी किस्मत का फैसला भगवान पे छोड़े हैं। भगवान पे? हाँ वो कैसे? देख कल गांव के मंदिर में बड़ी पूजा है ना। हाँ। सारी बस्ती फूल चढ़ाने जाएगी, जाएगी। रजनी भी जाएगी। हाँ। कल अगर रजनी चमेली के सफेद फूल चढ़ाए तो तेरी हुई। क्या क्या क्या? देख कल रजनी मंदिर तो जाएगी ना। हाँ। और अगर उसने चमेली के सफेद फूल चढ़ाए तो वो तेरी हुई, और गेंदे के पीले फूल चढ़ाए तो वो मेरी हुई। वाह वाह वाह। उस्ताद तू तो यहाँ से ही अपनी जीत ले लिया, जानता है कि हमेशा मंदिर में गेंदे के पीले फूल चढ़ते हैं। तो गेंदे के पीले फूल तू ले ले भाई, और चमेली के सफेद फूल चढ़ाए तो मेरी हुई। याद रख शंकर। हाँ। अगर चमेली के सफेद फूल चढ़ाए तो तेरी। हाँ। और गेंदे के पीले फूल चढ़ाए तो तेरी। हाँ ठीक है ना। हाँ। मंजूर है? मंजूर है। तो ला हाथ फिर। आना
है तो आराम, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधे नहीं है। आना है तो आराम, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधे नहीं है। आना है तो जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आराम, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधे नहीं है। आना है तो कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा सी झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की नजर है। आना है तो आराम, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधे नहीं है। आना है तो बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें, बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें, दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सजा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, जहाँ न्याय वो दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, सरकार यही है। आना है तो आराम, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधे नहीं है। आना है तो
कितना कुछ बताएगा भी, आखिर बात क्या हुई? क्या कमीने, धोखा किया तुमने, दगा किया दोस्ती के साथ। मैंने दगा किया? अरे वो भी नहीं, जात बता दी तूने, बता दिया कि कितना नीच है तू। तेरे मुंह पे ये बात जच नहीं आई कृष्णा? ये नहीं जची और वो जच गई, क्यों? अपनी बहन को बीच में डाल के पुल बदलवा लिया। चल हाथ देख, अगर फैसले पर से पलटना है ना तो पलट जा, लेकिन ऐसी बात मत कर, मैं तेरी दोस्ती की कदर। दोस्ती के मुंह पर तो थूक दिया तूने, वो भी एक लौंडिया की खातिर। जवान संभाल के बात कर कृष्णा, बहुत हो गया समझा, बहुत। अरे कमीने की खातिर जवान कौन संभालता है? जा चला जा यहाँ से, मेरा हाथ उठ जाएगा कृष्णा, जा यहाँ से, तेरा हाथ उठ जाएगा। भी नहीं करते, देखते हो तो मुंह मोड़कर चले जाते हो। अब मैं तुझसे क्या कहूं? नहीं, अगर कोई और ऐसा करता ना तो कोई बात नहीं थी, तुम करते हो तो सहन नहीं होता, बहुत दुख होता है मुझे, ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ थी ही नहीं। तेरे कारण मेरा दोस्त छिन गया मुझसे। अच्छा, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। अगर मुझे पता होता ना रज्जो की दोस्ती में खराबी पड़ेगी तो कभी देखता भी नहीं तेरी तरह। इतना तो ना गिराओ मुझे। गिरा तो मैं, तेरा क्या गया? तेरा क्या गया? बड़ी भूल की मैंने जो तुमसे प्यार किया। खैर, मैं तो जहां हूं वहां से हट नहीं सकती, लेकिन तुम जा सकते हो शंकर, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। औरत का दिल मर्द की दोस्ती का मोल कभी नहीं कर पाया रज्जो। वो मैं करना भी नहीं चाहती,
मैं अपना मोल जान गई हूँ, इतना बस है। ये कृष्णा, काहे को आई है दुनिया? मैं तुमसे कुछ बोलने को आई हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलिए यहाँ से। पर बात सुनने में तो कोई बुराई नहीं है। बात में बुराई नहीं होती, आदमी की जात में बुराई होती है। कृष्णा मर गया तुम सबके। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो, मैं ही क्यों ना मर जाऊँ तुम्हारे लिए। चुप रहे, तुझे बात बनाना खूब आता है और तेरे भाई को बात बिगाड़ना खूब आता है, पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने का, मैं किसी की परवाह नहीं करता, समझी? एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं तुम लोगों की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। खबरदार जो बिस्तर बच्चे पे आए, चल जाए यहाँ से। जाती है कि नहीं जाती है? हट जा। यही तो बोलती थी, बात समझे नहीं। और ये ले प्यार और दोस्ती की निशानी। तेरे भाई ने दोस्ती के नाम पर जो कुछ खाया पिया था सब उगल दिया इसने। ले जा इसे, संभाल कर रखेगा। और देख, बोल देना उसे मैंने उसकी दोस्ती देख ली, अब वो मेरी दुश्मनी भी देख ले। आदमी तुम समझदार मालूम होते हो, इसमें फायदा तो वाकई हो सकता है। बस तो फिर आप फायदा देखिए और मैं नुकसान देखता हूं। ये लो। मैंने पैसों की खातिर आपको यह रास्ता नहीं बताया बाबू। चौधरी, ये मुकालबे पर लारी कौन लेके आवा है? अरे छोटे बाबू के सिवा और कौन हो सकता है? अरे बाबू बाबू कुछ नहीं, हमका तो पूरा लुच्चा दिखाई देता हूँ। अरे तुमको कुछ नहीं मालूम है, वो हमारी रोजी पे लात मारना चाहता है। अरे हम उसकी गाड़ी को आग लगा देंगे। कान खोल कर सुन लो चौधरी, अगर वो हमारी बात न मानी तो अगर मोटर कारखाना हम दोनों ढह के फूंक दे। शंकर और कुंदन बाबू तो फैसला करके ही रहेंगे। क्यों, क्या बात है? सुनो बाबू, क्या ये मोटर गाड़ी आपने मंगाई है? क्यों, क्या आप हमको भूखा मारना चाहते हैं? आप हमसे बस्ती खाली कराने की सोच रहे हैं? तू हमसे बन के रोजी रोजगार पर लात मारना चाहता हो? हमें कमजोर समझ कर हमारे पेट में पाँव रख के खड़े होना चाहते हो बाबू? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो सारी बस्ती को तरक्की देना चाहता हूँ। सोचो समझो, आजकल तरक्की का जमाना है, मशीनें और मोटरें तो हमारे सारे देश में चलाई जा रही हैं, और इसी में हमारे देश का सुधार है। कुंदन बाबू, देश में जो हो रहा होगा ना सो ठीक ही हो रहा होगा, लेकिन ये बस्ती भी तो उसी देश में है, इसका भी तो कुछ ख्याल करो। पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस बस्ती की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। खूब भलाई कर रहे हो साहब, तुम खूब भलाई कर रहे हो। इधर तुमने मशीन लगा ली, उधर कारखाने वाले सब बेकार हो गए, भूखे पेट बस्ती छोड़ के जाना पड़ा उनको, और अब तुम मोटर गाड़ी ले आए हो ताकि हम तांगे वाले भी निकले सब बाहर। क्यों? ओहो, मुश्किल तो यह है कि तुम लोग कुछ भी नहीं समझते। जब पेट की रोटी और जेब का पैसा छिन जाता है ना तो कोई समझ मज नहीं रह जाती आदमी के पास। कुंदन बाबू, हमारा तांगा रहने से आपका कोई नुकसान नहीं है,
लेकिन आपकी लारी रहने से हम सबका नुकसान है। मेरे भाई, मैंने लारी तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं मंगवाई, मैंने तो यात्रियों के फायदे के लिए मंगवाई। बेचारे दूर दूर से आते हैं, आने जाने में उन्हें तकलीफ होती है, लारी रहने से उन्हें आराम मिलेगा और वो जल्दी पहुंच जाया करेंगे। हाँ हाँ, उनके बखत में 10 मिनट की बचत जरूर हो जाएगी, सो हम मानते हैं, लेकिन यहाँ 100 आदमियों का पेट कट जाएगा, इसका आपको कोई ख्याल नहीं है? 100 आदमियों के लिए अब ये बढ़ता हुआ देश रुकेगा नहीं। अरे पर हम कब कहते हैं बाबा के देश रुक जाए? हम कब कहते हैं? हम तो कहते हैं कि अगर देश बढ़ रहा है तो हम लोगों को भी कुछ आप लोग आगे बढ़ाओ। आप तो उल्टा हमको मारने की फिक्र कर रहे हो। अरे तो बढ़ो ना भाई, बढ़ो। मैं कब कहता हूँ ना बढ़ो, ले जाओ टांगा उड़ा के मोटर गाड़ी से आगे। किसने रोका है? ये तुम जिद की बात करते हो बाबू। नहीं नहीं नहीं, ये तो सीधी सी बात है, तुम सब चाहते हो ना कि मैं सड़क पे से लारी हटा लूं। क्यों, यही चाहते हो ना? हाँ, सब यही चाहते हैं। तो बढ़ा ले जाओ टांगा लारी से आगे, फैसला हो जाए। क्यों शंकर, हो जाए? तुम्हारा घोड़ा भी तो बड़ी तैयारी में है, बोलो हो जाए। अरे बोलो ना। हो जाए बाबू। अरे क्या बोल रहा शंकर? ठीक बोल रहा हूँ। अरे मोटरिया तो टांगा के ले जाए बाबू। अरे हटो हटो, मर्द ने हाँ की है, बराबर की छूट होगी, जो मंदिर पर पहले पहुँचा वो जीता। क्यों? नहीं नहीं छोटे बाबू, हम आपसे मुकाबला नहीं चाहते, हम आपसे दया की भीख चाहते हैं बाबूजी। छोटे सरकार, गरीबों पर दया करो। सोच लो भाई, मैं तो दया धर्म के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अरे तुम्हारा धर्म तो पैसा है कुंदन बाबू, पैसा, मगर हम तुम्हारी दया के भिखारी नहीं है। मर्द हाथ फैला के भीख नहीं मांगता, हाथ दुआ के शर्त मांगता है। शर्त, बात से पलटना मत। अरे थूक देना मुंह पर उसके जो बात से पलट जाए। मगर ये भी रही कुंदन बाबू कि अगर टांगा पहले मंदिर पहुंच गया तो लारी समेत बस्ती छोड़कर तुम चले जाओगे और नहीं तो हम चले जाएंगे। ये भी रही बस। अरे सोच मत कर बात का शंकर, क्या पागल हो गया? अरे सोच लिया है मैंने चौधरी, तो बताओ कल होती है दौड़। कुंदन बाबू, तुमने जहर बोने में वक्त लिया है ना, हमको निकालने में वक्त चाहिए। तो बोलो फिर कब होती है दौड़? कल, महीने भर बाद, एक साल चाहिए क्या? बोलो ना। 3 महीने बाद। 3 महीने बाद? हाँ 3 महीने बाद। अच्छा मंजूर, लाओ बढ़ाओ हाथ। ठीक है। अरे जब अमीर का दिल खराब होता है ना तो गरीब का दिमाग ही खराब होता है, पर मैं इस बस्ती को खराब नहीं होने दूंगा, समझे? पर तुमने तो अपने हाथों पर मामला खुद खराब कर लिया। अरे अरे छोटे सरकार, तो हम फसल की बात पर राजी हो गए, उनकी आंखों में दया आ रही थी। जिसके दिल में दगा आ जाती है ना, उसकी आंखों में दया कभी नहीं आती। अब किसी की दया पे नहीं, अपनी हिम्मत पे जीना होगा। पर हिम्मत बने भी तो कैसे? आग घोड़वा के टांग पे मशीन लगा दे। वो नहीं, मशीन तो नहीं लगाऊंगा, मशीन तो नहीं लगाऊंगा, पर तुम चलो मेरे साथ। अब ये देखते हो ना सड़क, वो ये उधर घाट के ऊपर से घूम के उधर जाती है मंदिर को। अच्छा आओ तुम मेरे साथ। और ये रही पगडंडी, ये भी सीधी मंदिर को जाती है, और तुम सब जानते हो कि उस वहां से 6 मील कम है ये। देखो भाई, अगर हम सब लोग मिल के मेहनत करें इसके ऊपर तो 3 महीने के अंदर ये सड़क तैयार हो जाएगी। पर कैसे तैयार हो जाएगी? क्या सड़क बनाने की मशीन लगा देगा इसमें? क्या लगता है इसका दिमाग चलने चला गया? अरे ये पागल हो गया है चौधरी, पागल हो गया। अरे देख भैया, एक मशीन वाले ने काम दिखाया है ना तो सारी बस्ती वाले बेकार हो गए। भगवान कसम, अगर हम बस्ती वाले मिल जाए तो इनकी मशीनें धरी की धरी रह जाएंगी। ये लोग मुंह की खाएंगे और हम लोग भी कुछ चैन से जी सकेंगे। अच्छा अच्छा, तू भी चैन से रह लेना, तू अकेले ही सड़क बना लेना। हाँ। तेरा साथ नहीं जाने के। चलो चलो चलो। हाँ। अरे देखो ओ चौधरी।
रजनी। बस्ती तुम्हें छोड़ सकती, तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ सकती। शंकर। रजनी। हाँ। एक बात बताओ तुम, ये मैं जो कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये सब गलत है क्या? कौन कहता है? सब यही कहते हैं रजनी। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा। तुम मेरे साथ हो, हो ना? कब नहीं थी? तब कोई डर नहीं है। अकेला पड़ गया था ना, दिल बैठ गया था एकदम। अब तुम आ गई हो तो न जाने कहां से ताकत आ गई है शरीर में। मेरा हाथ तो छोड़ दो। हाँ? हाथ छोड़ दो ना। रज्जो! शंकर, अरे ये क्या कर रहे हो? धावा बोल दिया है सारे संसार पर रजनी, रोक ले मुझे अगर किसी में हिम्मत है तो। ज्यादा डिंग मत मारो और काम करो, काम करो ना। शंकर भैया, हम भी तुम्हारे साथ हैं, चलो काम करो। बाबूजी मेरी बात को सुनिए, चार आने पैसे कम दे देना बोनी का बखत। बाबूजी क्या भिखारी की तरह पीछे पड़े हुए? बोनी का बखत है, बोनी का बखत, ये ले कर ले बोनी, भिखारी कहीं के। हम तो सचमुच भिखारी हो गए। हाँ चौधरी, ये तो भीख मांगना हो गया। अपने से अच्छा तो शंकर रहा, कुंदन बाबू की जवाबदारी तो कर रहा है। अरे भैया, जब भूखे मरे कहो तो चला हम पचल अपने शंकर के साथ है मर पाए। ठीक कहते हो, कुत्ते की मौत मरने से तो आदमी की मौत मरना अच्छा है। चलो भाइयों, चलो चलो। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम
तमाम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी है साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जल्ला बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी ले क्यों महाराज, आप तो कहते थे सड़क नहीं बनेगी, लेकिन मैं सुन रहा हूँ काफी तैयार हो गई है। पर पूरी नहीं होगी छोटे बाबू, सड़क के सामने नाला आ गया है और नाले की कुंडली में तो फुल्का बनना लिखा ही नहीं। ये तो बड़ी मुश्किल आ पड़ी है जुम्मा चाचा। सोच में तो मैं भी पड़ गया हूँ शंकर बेटा। अरे हमारी बात मानो, बांस का बाड़ा बांध कर पानी में गाड़ दो, 10 फीट झवा मट्टी के डलवा दो तो सब बराबर हो जाए। अरे क्या बात करते, तुम एक ही झटके में पुल जाता रहेगा। घबराता कहा है को संकट, तू नाले के आगे काम चला, मुकाबले के वक्त हमारी लाश पर से ताला निकाल कर ले जाना। क्या बात है, ये काम क्यों रुक गया है? देख नहीं रही हो, नाला आ गया, सोच रहे हैं कब क्या करें। इसमें सोचने की क्या बात है, रामचंद्र जी ने कन्याकुमारी से लंका तक इतने बड़े सागर में पुल बना दिया था, फिर ये तो छोटा सा नाला है,
राम का नाम लेकर पत्थर डालो पानी में, तांगा तो क्या रेलगाड़ी भी पुल पर से पार हो जाएगी। बोल सेनापति रामचंद्र की जय। आज बुधवार के दिन पुल बन गया मुंशी जी, सब लिख लिया सरकार। पुल बन गया, पुल बन गया। लगता है मुझे ही कुछ जंतर मंतर करना होगा। रहने दीजिए आपके जंतर मंतर, आपके पत्र और आपकी कुंडलियां। आपकी बेकार बातों में बहुत वक्त जाया कर दिया। अब मैं खुद देखता हूँ सड़क कैसे बनेगी। सड़क बन जाएगी बाबू, पुल बन गया है सड़क भी बन जाएगी। अरे धीरे होते सड़क कैसे बन सकती है। जाओ, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम शंकर को नहीं जानते। मैं शंकर को जानता हूँ बाबू, मैं शंकर के घोड़े को जानता हूँ। उसने पुल बना लिया, वो सड़क भी बना लेगा, उसकी बात बन जाएगी, आप मुंह देखते रह जाएंगे बाबू। कृष्णा, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, खाली मैं कर सकता हूँ। मैं ये सड़क नहीं बनने दूंगा, जब तक कृष्णा जिंदा ये सड़क कभी नहीं बनेगी। मेरे अंदर आग लग रही है बाबू, भगवान कसम सारे गांव को जला कर दूंगा। तू मेरे साथ चल, अगर सब कुछ उड़ा के ना रख दूं तो मौत का बच्चा नहीं। कृष्णा तू मेरी बात तो सुन। मैं कुछ नहीं सुन सकता, मेरा मस्तक खराब हो गया। तू मेरे साथ चल, मैं पागल हो जाऊंगा बाबू, मैं पागल हो जाऊंगा। कृष्णा जो कुछ तू चाहता है वही होगा, लेकिन जिस तरह मैं कहूंगा उस तरह।
लौट आए हाँ भाई ये बुरी तरह चुप रही थोड़ी कुछ नहीं सुन शंकर तुझे मेरा कुछ भी ध्यान नहीं क्या हुआ गांव घर नौटंकी पर चला गए तू एक अकेला यहाँ क्या कर रहा है रास्ता ठीक कर रहा हूँ अपने राजा के लिए रज्जू ताकि जब वक्त आएगा ना फर से तांगा लेके उड़ जाएगा और लोग सब देखते रह जाएंगे बड़ा मजा आएगा क्या है ना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शंकर क्या जैसे चारों तरफ से दुश्मन तेरी घात में है ले किसना के बारे में बात कर रही तू उसकी पीठ पर कुंदन बाबू भी तो है अरे पर जो भी हो वो अपना दोस्त है और तुझसे कह देता हूँ कि इस मामले में भी अपने लिए वो जान न ला देना तो जो कहे सुहाग जो कहे जो आंखें खोल अच्छी आंखें खोल मेरी तरफ देख रज्जू शंकर क्या हुआ शंकर रजनी को क्या हुआ अगर इसको कुछ होगा ना जुम्मा चाचा मैं नहीं छोड़ूंगा जुम्मा चाचा क्या कह रहा है बेटा किसको नहीं छोड़ेगा वही जिसने पुल के नीचे बारूद लगाई है उसे नहीं छोड़ूंगा तेरी किस्म लगी मैं नहीं छोड़ूंगा मैं नहीं छोड़ने का रही मैं नहीं छोड़ूंगा पुल तो है हाँ पे पुल है तो भी तो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं ला
अरे खुदा तुझे सलामत रखे बेटी, तेरे इन हाथों ने हमारी डेढ़ महीने की मेहनत बचा ली, नहीं तो आज जीती हुई बाजी हर गई। राम जी पर बड़ी कृपा हो चचा, लड़की भी बच गई, पुरवा भी बच गवा। शुक्र अल्लाह का शंकर। अरे भैया मंदिर में चलना है, अभी तो रात को घर जाने के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा, अभी तो मंदिर में चलना है। गुड मॉर्निंग, आपका टिकट? पहले गुड मॉर्निंग का जवाब, बाद में टिकट। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, मुझसे मिलिए, मैं हूँ प्रेस रिपोर्टर, वेरी वेरी फेमस रिपोर्टर, मगर आपने नाम नहीं सुना होगा, मैं बंबई से आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपने बंबई का भी नाम नहीं सुना होगा। खैर छोड़िए, उनकी दुकान बंद, मिठाई की दुकान बंद, सम्राट पेन बंद, लिप्टन टी बंद, व्हाट्स ऑल दिस, ऑल मार्केट क्लोज, क्या बात क्या है? ए मिस्टर, ओ प्यारे, ओ भाई, एक टन से कहाँ भाग रहे हो, बात तो सुनो। प्यारे बात तो सुनो, कर्फ्यू ऑर्डर है क्या? कहाँ गई, डर है? अरे डर काहेगा भैया जी, समझ गया, पार्टी ऊंचे सुरों में सुनती है। ए भाई मैं ये पूछता हूँ कि आदमी गुल, जानवर गुल, मकान बंद, दुकान बंद, सब क्या कहा? कान बंद? अरे हमरे कान बंद तो बाबूजी, तुम्हारे कान संभाली कहीं वही बंद ना हो जाए। अजीब आदमी, वंडरफुल, एग्जीबिशन में रखने के लाया। ए भाई, ओ मिस्टर, ओ प्यारे, बात की बात सुनो। क्या है? इसको तो दूर रख के बात करो, मैं ये पूछता हूँ कि गांव सब खाली क्यों हो गया? सड़क बन रही है। सड़क बन रही है, वंडरफुल। ऊंचा होके रहेगा बाबू। अरे वाह प्यारे, खूब मतलब समझे, बट व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या है? मकान बंद, दुकान बंद, मैन वीमेन चिल्ड्रन ऑल वर्किंग, मेरा मतलब ये है कि ये सब क्यों है, क्या है, किस लिए? अरे देखते नहीं हो इतनी लंबी सड़क बन रही है? अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ प्यारे, तुम सिर्फ इतना बता दो कि जब एक सड़क है तो फिर ये दूसरी बनाने की तकलीफ क्यों फरमा रहे हैं आप? यह बात तुम्हारी समझ में भी नहीं आगी बाबू जी। माफ करना, मेरी अकल इतनी मोटी नहीं है। हाँ तो यूँ बताओ, ये क्या बात है सब? देखो बाबू जी, ये सड़क जो है ना, तो इस पे चलेगा तांगा। अच्छा, और वो दूसरी वाली जो है उस पे चलेगी लारी। हाँ, समझो दोनों की सड़क सी लग गई है सड़क। अच्छा, लारी तांगा, मशीन मस्कर मैन, वंडरफुल, ग्रेट कॉम्पिटिशन, ऐसा तो कभी देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा भी नहीं। मतलब ये भैया कि आपको ये रेस करा कर ही जाऊंगा। एक काम करो, तुम उधर खड़े हो जाओ, तुम्हारा एक फोटो उतारता हूँ। अरे फोटो, फोटो नहीं समझे, तुम वहाँ खड़े तो हो जाओ, उधर खड़े हो, हाँ उधर खड़े हो जाओ। अरे भैया खड़े हो जाओ प्यारे, ये और पीछे, ये बात है, अब सीना निकाल के खड़े हो जाओ। ये बात है, हाँ दोनों हाथ पीछे करो। देखू क्या भैया, ऐसे ले लो ना, क्या है? अरे तुम कमर पे तो हाथ रखो भाई। ओफ, अच्छा थी, वंडरफुल, वंडरफुल, दिस इज योर वाइफ? क्या? मेरा मतलब है ये, दिस इज योर वाइफ? अरे क्या बोल रहे हो यार, तुम तो अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपकी जोरू है। जोरू? अरे सुना क्या बोल रहा है, जवाब दो, जवाब दो। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ, जैसा हीरो है वैसी हीरोइन मार लाया। खैर तुम भी खड़ी हो जाओ टोकरी पकड़ के। ए, इनका फोटो लगे? हाँ हाँ हाँ, खड़ी हो जाओ टोकरी पकड़ के। चलो ये, हाँ हाँ, जरा इस्माइल उधर,
इस्माइल। कौन? इस्माइल तो काम पे नहीं आया। अरे वो इस्माइल नहीं, जरा हंसो मुस्कुराओ। हाँ ये नाउ यू आर फ्री। ये मंकी बलांड कहाँ से कूद पड़ा? बात है कम और काम ज्यादा। अच्छा तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छी बात है, तो हम तुम्हारा काम भी करेंगे और नाम भी करेंगे। ए, ले आओ कुर्सी। एक ही क्या 50-50? अरे पूरा भरो भाई, वरना जल्दी से काम कैसे पूरा होगा। बाबूजी ये छोकरी है, तुम वो रख दो, हम भर देते हैं पूरा। लो ये बात है। हाँ। अच्छा तो भर दो। ए, रखो। ये लो। भरो पूरा। और भरो। हो गया? अरे भरो ना। ये बोलो। बात अरे बात उठा लो बाबू जी। अरे उठा लो, थोड़ा जोर लगाओ। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। थोड़ा जोर लगाओ बाबू जी, हाथ लगाओ ना। अरे टोपी तो उतार था, धूप के लिए है। पर ये काहे पे रख के ले जाएगा? टोपी रखो, टोपी रखो, टोपी रख दी बाबू जी, रख दी। क्या रख दी? वो ऊपर रखी, ऊपर रख दी ना। तो वंडरफुल। बचाओ दानी। अरे मरोगा। ये तो बोला था का हड्डी, हमका तो आस लागा थे पिंपरी साहब के को हड्डी बरोबर नहीं बा। अरे घबरा जिन, हम भाई बरोबर किए दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं नो 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 अंकल बेटी नो। कुछ तो काम ने बराबर कर दिया, कुछ आप बराबर कर देंगे। थैंक यू। एक के हाथ में बोल गए? बिल्कुल बोल गए जी। तो बाबूजी क्या हाल है? अरे आओ हीरो, बहुत बुरे हाल है प्यारे अपने। तो क्या हुआ? अपन तो कल से काम बदली कर रहे हैं। क्यों, पीठ दिखा के भागने की सोच रहे उस्ताद? अरे पीठ दिखाने की बात नहीं है हीरो, अपन तो तुमको विन करा कर ही जाएंगे, अपन पब्लिसिटी करेंगे। देखो तुमसे कई बार कहा हमसे अंग्रेजी मत बोल, वो सुसरी हमारी समझ में नहीं आती तो हम क्या करें? मेरा मतलब ये है के बड़े बड़े अखबारों में तुम्हारा नाम छपेगा। हमारा? हाँ, फोटो छपेंगे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरबस्तान, इंग्लिस्तान, अब जो भी तान आएगी ना तुम्हारा नाम लेकर ही आएगी। अरे बाह, अरे बाह। यो भाई शंकर, ये हमें लीडर बनाने की सोच रहा है। अरे अपने को भी कुछ ऐसे ही दिखे जुम्मा चाचा। तुम लोग नहीं समझते तुम क्या कर रहे हो, ऐसे काम की तो अपने मुल्क को बड़ी सख्त जरूरत है। अरे भाई ये तो एक तरह का गाँव सुधार है। गाँव सुधार? सुधार? यस ग्रैंडफादर, तुम तो लोगों को अपने पाँव पे खड़े रहना सिखा रहे हो, ये तो बहुत बड़ा काम है, सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए। मैं तुम्हारी पब्लिसिटी करूंगा, बड़े बड़े फोटो छापूंगा, लंबे चौड़े आर्टिकल लिखूंगा ताकि सारी। हाँ हाँ बाबू साहब ये तो सब ठीक है, पर ये तो बताओ कि तुम हो कौन? लाट साहब हो, गवर्नर हो, पटेल हो, कौन हो? मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। खेले सकती हो या नरमी, अरे हंसते हंसते झेले। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, सकती हो या नरमी, अरे हंसते हंसते झेले। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना, हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। असली वाले वो है, अरे जो है हिम्मत वाले। कुछ है दौलत वाले, कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो है, अरे जो है हिम्मत वाले। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं
अरे कामंड गाना गाके आया हूँ मैं बंधु रूस और चीन में जाके काम की बात बता दी मैंने कामंड गाना गाके सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना ए, मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अंजना इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अंजना इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना मैं बम्बई का बाबू फोटो है ना बढ़िया मुंह जरा भद्दाया है तुम्हारा अरे शहर की किसी लौंडिया ने देखा होगा ना तो नाचने लग गई होगी नाचने टांगे ना तोड़ दो उसकी जल गई अरे जा अरे जल गई राम कसम जल गई देख 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 मार दूंगी शंकर हाँ तो मार दे अपनी बात और पक्की हो जाएगी चल ले ले बात पक्की हो गई बात कुछ मत पूछो जुम्मा दादा जैसे ही कागज में तुम्हारा फोटो देखा सब कुछ छोड़ छाड़ के चले अरे अच्छा ही किया दादा शंकर बेटे अब तो अपने से ये बस्ती नहीं छूटने की अब तो अपना मरना जीना यही होगा क्या बढ़िया फोटो है जोड़ी भी बढ़िया है महाराज एक को देखो दूसरे को भूल लो और फिर मेरी समझ में तो आता है कि पुल उड़ने की खुशी में उतरवाया फोटो उल्टी बात करते हो मुनीत जी पुल उड़ने की खुशी में नहीं पुल बनने की खुशी में उतरवाया है अब कागज पर क्यों गुस्सा करते हो पहलवान मुनीत जी ग्रह ग्रह की बात है इस बेचारे ने कोशिश तो बहुत की पर पुल तो नहीं टूटा ये दोनों जरूर जुड़ गए कृष्णा मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं काम नहीं बन पड़ा तो कमजोर पर गुस्सा निकालने लग गए छोटे बाबू चुप रहो मैंने तुम सबको देख लिया तुम में से कोई किसी काम का नहीं सबके सब बेकार छोटे बाबू क्यों अन्याय कर रहे हो सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हो ज्योतिष विद्या की कसम मैं चाहूँ तो ब्रह्मांड को हिला दूँ समझे समझे कहना क्या चाहते हो बात यह है आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए सांप के काटे का मंत्र है पर मेरे काटे का कोई मंत्र नहीं है लाइए पांच रुपए निकालिए पांच रुपए ओहो आप निकालिए तो आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी कैसे पूरी हो जाएगी आइए तो फिर समझाओ आइए आइए मगर भैया आप काम कैसे हुई मानो रास्ता बनने में रुकावट आ गई कौन कहता है रास्ता बनने में रुकावट आ गई है कौन कहता है काम नहीं होगा कहते हैं हम देखते नहीं ये देवी का स्थान है यहाँ सड़क वड़क नहीं बनेगी और बनेगी तो हमारी लाज पर से बनेगी जय देवी माता पंडित
हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो सड़क पर तुझे भी जान के फाड़ दूंगा मैं। अरे वेरी गुड आइडिया, वंडरफुल। कई देवी देवता भेंट मांगते हैं, मेरे ख्याल से गांव में इससे अच्छी और तैयार भेंट नहीं मिलेगी। चल जाओ पंडित जी, शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में तो लाइन भी क्लियर और रास्ता भी साफ। अरे पापी, हे देवी, हे बा, ये अत्याचार, ये जुल्म, इस पापी को आप गड़बड़ मत करो महाराज। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि देवी की भेंट चढ़ाए जा रहे हो, सीधे स्वर्ग में जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ? दुहाई है सरकार, दुहाई है। देखिए बीच रास्ते मूर्ति निकल आई है और ये पापी सड़क बना रहे हैं। सरकार यहाँ मंदिर अवश्य बनेगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वही तो हम कर रहे थे, पत्थर डालकर पाट रहे थे ताकि तुम्हारी मुक्ति हो जाए। राजा जय देवी माँ। पंडित जी आप ठीक कहते हैं, मंदिर यहाँ जरूर बनेगा। आपको जितने पैसे की जरूरत हो ले जाइएगा, धर्म का काम है, देर नहीं होनी चाहिए। अरे धर्म का तुम कब से ध्यान करने लगे बाबू? हैं हटो, बखत मत खराब करो हमारा। अरे मुंह क्या देखते हो तुम लोग, शुरू करो काम। मंदिर की जमीन पर कब्जा जमा कर रास्ता निकालना चाहते हो, ये नहीं होगा। अरे जाओ जाओ कुंदन बाबू, काम करो अपना। मंदिर और शिवालय लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, रास्ता रोकने के लिए नहीं। शंकर, अरे शंकर शंकर क्या करते हो बाबू? हैं मुंह बंद करना चाहते हो मेरा? पर ये भी सुन रखो, काम बंद नहीं होने का। तुम जैसे धनवानों का जब कोई काम बनने में नहीं आता ना, तो भगवान के नाम पे गरीब लोगों को उल्लू बनाने की सोचते हो। बस बस जबान बंद कर, नहीं तो गोली चढ़ा दूंगा बदतमीज। वंडरफुल मानते हैं, लेकिन ये आदमी फौलाद का बना हुआ है, तुम गोली भी मारोगे ना तो वापस आके तुमको ही लगेगी। तुम बीच में से हट जाओ बाबूजी। कुंदन बाबू कान खोल के सुन लो, अगर इस सड़क पे खून का छिड़काव करना है तो वो भी कर देखो, लेकिन याद रखो इंसान तो क्या मैं भगवान के सीने पर से भी रास्ता बना के निकल जाऊंगा, मैं किसी देवी भैया के चक्कर में नहीं आने का। शंकर ऐसी बातें नहीं करते। क्यों ना करूं जी, क्यों ना करूं? पाप होता है बेटे, पाप होता है तो होने दो। बेटा कोई दूसरा रास्ता निकालने की सोच रही? दूसरा रास्ता कौन सा निकालोगे जुम्मा चाचा? देखते नहीं हो इधर को ताल आ गया, ऐसे पाटते पाटते तो पूरा बरस बीत जाएगा। अरे उठाओ फावड़ा, मुंह क्या देखते हो भाई? ये अंत नहीं होगा शंकर, ये देवी का स्थान है। अरे हमारे आंखों के सामने मूर्ति निकली है। हाँ हाँ ठीक ही तो कहता है बोटल। क्यों शंकर दादा, मैंने कहा था तो मिर्चियाँ लग गई थी, अब अपनी सड़किया के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालो। कसम ये तो क्या, भगवान भी अगर गरीब के सामने आएगा तो देख लूंगा। हट जाओ। तुम इतना एक्साइट क्यों होते हो पार्टनर? ये देखो ना सीधे हाथ की जमीन कितनी प्यारी है, हम उस पर से सड़क निकालेंगे। नहीं बाबू, वो जमीन गोपाल की है, वो दूसरी बस्ती का आदमी है और बरसों से उसकी दुश्मनी चली आ रही है, वो तो मरने मारने पर तो लाए। ओफो, यू डोंट वरी ग्रैंडफादर, मैं दिखने में सिंगल बस लिखा हूँ लेकिन आज अपने हीरो के लिए जाम की बाजी लगा दूंगा। तुम आओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ चाचा। आज मेरा ये देखो कितनी अच्छी जमीन है और शॉर्टकट भी है, जब तक तुम वो सड़क को इससे मिलाओ तब तक मैं बाढ़ साफ करता हूँ। तारीफ? अरे तारीफ के बच्चे ये बाल किसकी ज्यादा सिखाती? तो बात ये प्यारे के अरे प्यारे वाले चुपरा मार के रख निकल। वंडरफुल। खबरदार, अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो याद रखो मैं सबको यही ढेर कर दूंगा। शंकर शंकर भैया, शंकर शंकर बोल। देखो गोपाल, एक ही घर के रहने वाले आपस में लड़ते जरूर हैं, पर बाहर का कोई लूटने वाला आ जाना तो मिल के मुकाबला करते हैं। आज साथ दे दो भैया, बस्ती की इज्जत तुम्हारे हाथ में।
बेटा। लो शंकर, अब से हम भी तुम्हारे साथ हैं। आज से तुम्हारी और हमारी बस्ती की इज्जत पर हाथ उठाने वाले का कलेजा काट के रख दूंगा। निकालो सड़क यहाँ से। किसी की जमीन तो क्या, अगर आसमान भी हमारे आगे आया तो हम उसको भी रास्ता बना के निकल जाएंगे। वंडरफुल, देखा प्यारे, देवी ने अपना काम कर दिया, दो फरलांग की बचत होगी, दो फरलांग की। चलिए महाराज। छोटे बाबू जरा हाथ देखो, जरा हाथ देखो। हाथ की रेखा कहती है आप अकेले ही तशरीफ ले जाइए, आज से अपनी ज्योतिष विद्या भी इसी सड़क से काम करेगी। जय शंकर, जय शंकर। अरे वाह महाराज, आओ, मैं जल्दी लाइन में आ गया महाराज। जय शंकर। लो भाई जुम्मा दादा, सड़क तो पूरी हो गई और हो भी गई बखत पे। भगवान जी की बड़ी कृपा हो गई जुम्मा दादा, अब तो बस कल की दौड़ में भगवान जी की और कृपा हो जाए तो। उसी की जरूरत है। मगर चौधरी, समझदारी की बात तो इसमें है कि आज की रात सब होशियारी से रहे। सबके सब सड़क पे पहरा दे, दुश्मन का कुछ पता नहीं ना, उसकी हर बात अनहोनी। अरे जुम्मा दादा, आप कुछ नहीं होने का। नीचे सब ठीक है। अच्छा अच्छा, जरा होशियारी से बेटा आओ भाई। जाओ, चले जाओ, अब कोई खतरा नहीं। नहीं जाता, जा बुला ले जिसको तेरा जी चाहे, एक एक को देख लूं। तुम्हारी जान खतरे में है तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, पहले तू अपनी जान संभाल। तुम कुछ भी करते पर ये काम तुम्हें नहीं करना। रात दिन की मेहनत मिट्टी में मिला दी तुमने, सबकी इज्जत की बात थी। ये बस्ती वालों की जिंदगी का सवाल था किसने? पर मेरे पास तो यही जवाब था ना। पर कोई अपने घर को तो आग नहीं लगाता, कुछ भी हो दोस्त तो फिर दोस्त ही होता है। तो किसकी दोस्त, कैसी दोस्ती? मेरा कोई दोस्त नहीं, तेरे भाई ने बचपन की दोस्ती से जवानी में आके दगा दी, बात बदल दी, जबान बदल दी, दिल बदल दिया। नहीं किसने, नहीं। अगर वो दिल की बात साफ साफ बोल देता ना तो उसकी दोस्ती पर एक रजनी तो क्या हजार रजनी कुर्बान कर देता। मुझसे बोला कि फैसला भगवान पे छोड़ दो और तुझसे कह के फूल बदलवा दिए, कमीना कहीं का। किसना, मुझसे भैया ने फूल बदलने को कभी नहीं कहा था, फूल तो मैंने खुद बदले थे। तूने अब बहाना बनाने को आ गई, भला तुझे क्या पड़ी? मैं नहीं चाहती थी तुम्हारी शादी रजनी से हो। क्यों? मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो। मुझे तुमसे बचपन से प्रेम था, मैं हमेशा तुमको प्रेम करती रही किसने। जब जब तुम सामने आए, दिल की बात जबान तक आई और जबान खुलने को आई, पर न जाने क्यों मैं कुछ बोल न सकी, कभी कुछ समझा न सकी। हृदय में अलाव जलता रहा पर आग गीली न होने दी, जीवन भर गीली लकड़ी की तरह जलती रही। मंजू, ये तुम क्या कह रही हो? ये कि अब तक तुम्हारा ही नाम लेकर जीती रही,
और अब तुम्हारा इनाम लेकर मर भी जाऊंगी। मेरे लिए अब दुनिया में रखा ही क्या है, तुमने अपनी मनमानी कर ली, अब जो कुछ बाकी रह गया है उसे भी पूरा कर दो, काट के फेंक दो इस पुल को, जाके गला दबा दो अपने दोस्त को, आग लगा दो बस्ती को, सारे गांव को जलाकर खाक कर दो। बस मंजू बस। मैं भी कितना पागल जो तेरे दिल की बात ना जान सका। मैंने दोस्ती के रिश्ते को तोड़ा और आज ये पुल, मैं शंकर के पास जाऊंगा मंजू, मैं शंकर के पास जाऊंगा। इतना नहीं, अगर बस्ती वालों ने ये बात जान ली तो तुम्हारी जान को आ जाएंगे। पर अब होगा क्या, कल सुबह दौड़ है और ये पुल। आज तक सारा जग तुमसे मांगता आया है, तो मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, और कुछ नहीं चाहिए, एक गरीब के तांगे घोड़े को कृष्ण भगवान के रथ की छाया दे दो, इज्जत की बाजी है प्रभु, तुम्हारे सामने सर झुकाने आया हूं, धनवान के आगे सर ऊंचा कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। का जो तुम जहर फैलाते रहे हो मुझे सब मालूम होता है, तुम दौलत की ताकत इन गरीबों की भूख और प्यास खरीदने की कोशिश कर रहे हो। पिताजी अपनी कामयाबी के लिए इनकी लाश उपहार रखकर खड़े होना चाहते हो। मगर मैंने इनके साथ कोई बुराई नहीं किया पिताजी, मशीनें और मोटरें चलाकर तो आजकल सारी दुनिया तरक्की के रास्ते पर कदम बढ़ा। चुप रहो, तुम मोटर मशीन और तरक्की की आड़ लेकर इन चीजों को बदनाम कर रहे हो। हमारी हुकूमत ने भी वहां मशीनों की इजाजत नहीं दी जहां आपकी कारीगरी को नुकसान पहुंचता हो। आज हर जगह यही कोशिश हो रही है कि मशीनों की आवाज वहीं गूंजती रहे जहां पे कार्य का शोर न फैलने पाए। लेकिन तुमने सही काम को गलत तरीके से करना चाहा, तुमने मशीन और मोटरों को गरीबों का दोस्त बनाने के बजाय उनका दुश्मन बना दिया। मशीन अपना काम करती रहती, गरीब अपना काम करते रहते, कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं निकाला तुमने? आज की दुनिया में मशीन ने तरक्की नहीं की, आदमी ने तरक्की की। आज तक आदमी मशीन बनाते आए, मशीन ने कभी किसी आदमी को नहीं बनाया। आप इस बस्ती के मजदूरों को अपने सर पर बिठाना चाहते हैं? हाँ, मैं इन्हें अपने सिर पर बिठाता रहा, इसीलिए आज तक मेरे सामने सुल चुका देगा। तुमने खुद इन्हें अपने मुकाबले में ला खड़ा किया, तुमने इनके साथ इंसाफ नहीं किया। तुम्हें जो कुछ मिलता है इनकी मेहनत का मिलता है, और तुम इन्हें जो कुछ देते हो इनकी मेहनत का देते हो।
ये दो दोस्तों का आपस का बंटवारा, ये दो भाइयों में बराबर की हिस्सेदारी है। मजदूर संसार की नाव का पतवार होता है, और अगर पतवार न रह जाए तो जिंदगी की नाव का कोई किनारा न रह जाए। तुम आज अपनी गर्ज और अपने फायदे के लिए मशीन और जानवर का मुकाबला करने जा रहे हो, लेकिन किसी भी देश को ऐसी मशीन की जरूरत नहीं जो आदमियों के हाथ काटने के लिए बनाई गई है। आग लगा दो ऐसी मोटर को जो लाख जनों का कुचलती चले। कुंदन, ये मुकाबला नहीं होगा। पिताजी, ये मुकाबला होकर ही रहेगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। कुंदन ने कहा मुकाबला नहीं होगा। पिताजी, कुंदन बाबू को अपनी जिद पूरी कर लेने दीजिए। सर जी, हम गरीब भी अब किसी की दया पे जिंदा रहना नहीं चाहते। किसी के आगे हाथ फैला के दया की भीख मांगने से तो मर जाना बेहतर है। सेठ जी, कुंदन बाबू हम तैयार हैं। जय शंकर। किसमें दौड़ शुरू होने वाली है? तू फिक्र मत कर मंजू, सब ठीक हो जाएगा।
पास सब कुछ है राजा, अपन गरीब है, अपने पास कुछ नहीं है। बेटा आज हिम्मत कर, आज हिम्मत कर राजा। भाग लगाने पे हाथ मिलाया था, सच के बाद भी हाथ मिला। तो तू अपनी जीत का घमंड बताने के लिए आया? नहीं कुंदन बाबू, मैं गांव की भलाई मांग। ये गांव बर्बाद होकर रहेगा शंकर, याद रखो। जिन मशीनों को आज तुम ठुकरा रहे हो, उन्हीं मशीनों का एक रेला उठेगा और तुम सब कुचल के रख दिए जाओगे। हम गरीब लोगों को मशीनों से कोई बैर नहीं है कुंदन बाबू, दो बखत की रोटी बस सुख से मिल जाए, यही हमारी मांग है। बस्ती में तुम भी रहो, हम भी रहे, मोटर गाड़ियां भी रहे, मशीनें भी रहे, कोई ऐसा रास्ता निकालो। देखो तुम तो लिखे पढ़े आदमी हो कुंदन बाबू, तुम्हारा साथ मिल जाएगा ना तो माँ कसम इस गांव तो क्या सारे देश की किस्मत पलट के रख देंगे हम। इनके दिल देख कुंदन, इनकी हिम्मत देख, ये लोग वक्त की जरूरत है, जमाने की रफ्तार है ये लोग। अगर आगे बढ़ना है तो इन्हें अपना समझ, इन्हें अपना बना। जाति फायदे के लिए इनसे मुकाबले की बजाय देश के झंडे तले इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल, एक दिन इस गांव में तो क्या, इस देश में तो क्या, सारी दुनिया में हमारा सर ऊंचा होकर रहेगा। वंडरफुल कुंदन, इसी बात पे मिला लो हाथ और खींचा लो फोटो। छोटे बाबू आप भी हाथ मिला लीजिए, हाथ मिला लीजिए।